हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप हैं मेरे साथ बसूरी में। तो मैं जिस होटल में ठहरी हूँ उसके सामने ये जो आप येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है जॉर्ज एवरेस्ट। और यहाँ का मसूरी का बहुत ही फेमस स्पॉट है ये। तो अगर आप आएँ यहाँ पर तो आप ज़रूर इसको भी एक्सप्लोर करें, बहुत ही सुंदर जगह है ये। और दोस्तों, ये जो ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये मेरे होटल से दिख रही हैं। तो आज मैं आपको मसूरी नहीं घुमा रही हूँ, मैं आपके लिए एक जो नई चीज़ लेके आई हूँ वो है फूशिया का फ्लावर, जो अब विंटर फ्लावर है और बेहद खूबसूरत है। तो आज मैं उसी की कटिंग्स आपको बता रही हूँ कैसे आपको ग्रो करनी है। तो पहले मैंने सोचा थोड़ा सा आपको नज़ारा भी दिखाया जाए मसूरी का। तो ये सारा मसूरी है और दोस्तों यहाँ से मतलब मेरा जो होटल की खिड़की है वहाँ से मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ। तो ये आप पहाड़ियाँ देख ही रहे होंगे, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और इस वक्त सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बजे हैं, तो जो धूप है अभी आई नहीं है, इसीलिए आपको कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा। तो चलिए, आपको ज़्यादा आपका समय ना ख़राब करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फूशिया का फ्लावर विंटर फ्लावर है और बेहद खूबसूरत है। तो मेरे कई भाई बहनों ने मुझसे पूछा है कि इसकी कटिंग्स कैसे लगाते हैं, क्योंकि मेरी इस पर एक पहले वीडियो भी है और जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद करी है। तो चलिए, आज मैं स्टार्टिंग से ही आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ घूमने आई हूँ और मेरे इस होटल में मैंने जब मैं आई थी तो मैंने देखा कि फूशिया के फ्लावर्स लगे हैं। तो दोस्तों, जैसे हिबिस्कस का एक पेड़ होता है झाड़ी नुमा, उस तरह से हो जाता है यहाँ पर पहाड़ों में। और ये पेरिनियल है, पूरे साल भर चलता है, लेकिन जो फ्लावरिंग होती है वो विंटर टाइम में हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। तो यहाँ तो बीच बीच में पहाड़ी मौसम में ठंडे में होती रहती है, लेकिन जैसे मैदानी भागों में, मैं देहरादून से हूँ तो वहाँ पर ये सर्दियों में ज़्यादा होती है और गर्मियों में ये फूल नहीं देता है, लेकिन हरा भरा हमेशा रहता है हमारे साथ बना हुआ। तो चलिए, आज इसी के ऊपर बात करती हूँ कि कैसे हमने इसको ग्रो करना है और कैसे इसकी कटिंग्स लेनी है। और दोस्तों, ये देखिए, आप इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और पौधे भी दिखाती हूँ जो बेहद खूबसूरत हैं। और ये देखिए, ये है फूशिया की कटिंग्स। मतलब कटिंग्स क्या, ये तो पूरा एक श्रब सा है, झाड़ियाँ। तो यहाँ पर जो माली जी हैं वो इनको कटिंग कर रहे थे, तो मैंने भी उनसे कुछ कटिंग्स मांग ली हैं अपने लिए और मैंने देहरादून जाकर ग्रो करूँगी। तो देखिए, ये है रेड कलर की और वाइट पर्पल मिक्स है ये। तो इनसे जो माली भैया हैं, इन्हीं से मैंने कटिंग्स ली हैं। देखिए क्या हमें बता रहे हैं ये। हाँ, बताओ कैसे लगानी है इसको। इसको करके ये ना ऐसे में रखना है। अच्छा, छोटी छोटी ठीक है। आएगा बाहर से व्हाइट, अच्छा, तब आएगा इसका, हाँ, हाँ, समझ। हाँ, और जो रेड है, हाँ, ये रेडी है इसका, अलग ही दिखा, दोनों मिक्स है। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी कटिंग्स हैं ये हमें लेनी है और हमें इसकी कटिंग अपनी जो रूट हार्मोनिक पाउडर होता है उसमें डालकर लगा देनी है। और ये जो आप गमले देख रहे हैं ये है एस्ट्रोमेरिया के गमले, और ये भी एक तरह की लिली होती है, इसको प्रोवन लिली बोलते हैं दोस्तों। और ये बेहद खूबसूरत फूल है, और फूल मैं आपको दिखाती हूँ, ये कलियाँ आ रही हैं। वैसे तो ये स्प्रिंग से लेकर समर तक फ्लावरिंग करता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी फूल इसमें निकलते ही रहते हैं, तो इसके भी ट्यूबर्स होते हैं, उनसे इनको ग्रो किया जाता है। तो जो एस्ट्रोमेरिया है इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, जैसे एशियाटिक लिली की, तो इसके डिफरेंट शेड्स होते हैं, बर्गंडी, वाइट, येलो और पिंक, रेड। तो और बहुत खूबसूरत फूल है ये। है फूशिया की कटिंग्स माली भैया ने लगा रखी हैं अपने लिए। तो इसमें से मैं आपको देखो एक फ्लावर भी उठा कर दिखाती हूँ, ये इस तरह का फूल है जिसकी इन्होंने कटिंग्स ग्रो कर रखी हैं। तो आज मैंने इनसे जो ये कटिंग्स ली हैं, अब मैं इनको अपने घर जाकर लगाऊंगी। तो इस तरह से ये देखिए कटिंग्स इन्होंने तैयार कर ली हैं। और ये है बटर कप लिली, जी हाँ, इसकी भी मैंने इनसे थोड़ी सी जड़ें मांग ली है, रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने मुझे दी हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत फूल है और कितना बड़ा हो जाता है दोस्तों ये। तो ये सब पहाड़ के जो पहाड़ी मौसम में जो फूल खिलते हैं, पहाड़ों पर की जो आबो हवा है उनमें ये ज़्यादा चलते हैं। तो हमें एक बार इसको ग्रो करके देखना चाहिए कि ये हमारे तरफ चलता है या नहीं। तो इसीलिए मैंने इनसे ये जो इसके बल्ब्स थे ये ले लिए हैं, छोटे छोटे इन्होंने मुझे इसके जो बेबी प्लांट्स थे वो दिए हैं। तो बेहद खूबसूरत फूल लगा ये भी मुझे। तो कहीं ना कहीं हम लोग गार्डनर्स लोग जहाँ जाते हैं सोचते हैं कुछ ना कुछ निशानी वहाँ की लेके जाएँ अपनी जगह पर, और हमें तो सबसे अच्छे प्लांट्स ही लगते हैं। तो इनसे मैंने ये जो
पौधे हैं, इनकी छोटे छोटे कटिंग्स और बल्ब्स ले लिए हैं, तो आगे मैं देहरादून जाकर इनको ग्रो करूँगी और देखूँगी कि ये हमारे यहाँ चलते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये मैं होटल में ऊपर ले आई हूँ अपने साथ और आपको भी दिखाती हूँ। ये इस तरह के छोटे छोटे बेबी प्लांट्स इन्होंने मुझे बटर कप लिली के दिए हैं और इनमें जड़ें भी हैं, तो मुझे आशा ये हो जाएगा मेरा और इस तरह से मैं इसको ग्रो करूँगी और फिर तब आपको अपनी जो अपडेट्स होती हैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि ये मेरा चला या नहीं। तो इस तरह से मैंने इनसे ले लिया है और ये है छोटे छोटे एक सैक्यूलेंट्स बोल सकते हैं आप, ये आपने देखा होगा मसूरी शिमला वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें भी मैं रोटेक्स लगाकर इनको ग्रो करने की कोशिश करूँगी। और ये एस्ट्रोमेरिया के इन्होंने मुझे ये जो बल्ब्स टाइप हैं ये दिए हैं, ये जो ट्यूबर्स आप देख रहे हैं, तो इनको जड़ें वगैरह इसमें बहुत अच्छे से हैं, तो मैं इसको भी ग्रो करके देखूँगी कि अगर ये मेरा हो जाए तो ये बहुत ही कीमती फूल है। और दोस्तों बहुत सारी नर्सरियों में ये बड़ी बड़ी नर्सरियों में मिलता है, हर जगह ये नहीं मिल पाता है, लेकिन ये कट फ्लावर में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे एशियाटिक लिली होती है उसी तरह से ये डिफरेंट शेड्स में मिलता है और बेहद खूबसूरत फूल है। तो आप अगर आपको कहीं मिले तो आप भी ज़रूर इसको लगाएं। और ये है फूशिया की कटिंग्स जो मैंने इनसे ली हैं और ये जो सॉफ्ट कटिंग्स हैं इनको हम रूटिक्स में मिलाकर लगाएंगे और तब देखेंगे कि ये आने वाले टाइम पे स्प्रिंग में हमें कैसे फ्लावर्स देता है। तो चलिए बस दोस्तों अब वापस जाने का टाइम हो गया है और अब आ गई हूँ अपने घर में और ये आपको एक अपडेट दे रही हूँ कि ये इस तरह से छोटी छोटी मैंने कटिंग्स कर ली है। तो वीडियो दोस्तों ये छोटी बन पाई है पर कोई बात नहीं, चलिए आपको दिखा देती हूँ कि ये छोटी छोटी कटिंग्स मैंने सारी की कर ली है जो भी मुझे उन्होंने माली जी ने दी थी और इनकी छोटी सॉफ्ट कटिंग्स लेकर मैं इसको रूटेक्स में लगा रही हूँ। और इस तरह से कोई भी ट्रे जैसे हम गुलदावरी लगाते हैं उसी तरह से आप इसको जो सैंड होती है उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप कोकोपीट में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए जो कटिंग्स उन्होंने दी थी इसमें जड़े भी हैं, तो मैं इसको भी अभी इसी कटिंग वाली ट्रे में लगा दूंगी क्योंकि अभी इसको बचाना ही जरूरी है और जब ये थोड़ा सा और इसकी जो वो हो जाए लीव्स आने लग जाए तब मैं इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए इतनी सख्त जो ये होती है तो दोस्तों इस पे रूट आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसकी छोटी छोटी कटिंग्स करते हैं सॉफ्ट कटिंग्स जिससे कि वो जल्दी जड़ें पकड़ ले। और जितने ये एक्स्ट्रा पत्ते और डंडियां देख रहे थे ये सब मैंने अलग कर लिए हैं क्योंकि ज़्यादा पत्ते हम इसमें रखेंगे या ज़्यादा इसमें अगर लीव्स होंगी तो वो ज़्यादा एनर्जी लेंगी। और इस तरह से ये देखिए मैंने सारी ट्रे अपनी जो फूशिया की कटिंग्स लाई थी मैं उससे मैंने लगा दी है रूटेक्स में लगाकर। तो आप अगर आपके पास रूटेक्स नहीं है तो आप एलोवेरा जेल में भी इसको ट्राई कर सकते हैं या फिर दालचीनी का जो पाउडर होता है उसमें भी आप इसको जो रूट्स हैं उसको ग्रो कर सकते हैं लाने के लिए। तो ये फूशिया की सारी कटिंग्स हैं, इसका आने वाली वीडियोज़ में आपको अपडेट दूंगी दोस्तों। और आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने ये एस्ट्रोमेरिया भी लगा दिया है एक गमले में और ये मेरा 10 इंची गमला है इसमें मैंने लगाया है। और ये देखिए ये छोटे छोटे ट्यूबर्स भी उन्होंने मुझे दे दिए थे तो मैंने वो भी इसमें डाल दिए हैं अपने गमले में। तो अब देखते हैं इसकी कैसी ग्रोथ होती है। तो अपनी तरफ से तो हमने पूरा काम कर दिया है दोस्तों और ये बटर कप लिली जो मैं लेके आई थी इसको भी मैंने गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे समर तक या फिर स्प्रिंग तक इनमें कैसी ग्रोथ होती है। और इसमें फ्लावरिंग तो थोड़ा लेट होगी क्योंकि जब प्लांट्स बढ़ जाएंगे तब होगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बहुत छोटा सा वीडियो था आपके लिए। तो आने वाले वीडियो में फिर मिलती हूँ आपके साथ। अगर आपके पास आसपास कहीं फूशिया है तो आप भी प्लीज़ उसकी कटिंग्स इस टाइम पे सही टाइम पे ग्रो करने का तो इस वक्त लगा दीजिए और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत प्यारे फूल मिलने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स अपना ये वीडियो बंद करती हूँ, बाय।